अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग करा था, लेकिन किसी वजह से ना ही उनका फर्म लिस्ट 1 में नाम आया, ना ही 2 में और ना ही 3 में आया। इसमें हम बात करने वाले हैं 11th साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड डिप्लोमा, इसके साथ ही बीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि अभी बीकॉम्स और बीएलएलबी और बीए वगैरह का तो अभी फर्म लिस्ट आना बाकी ही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका फर्म लिस्ट आया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि इसका अभी जो अभी पेपर मैंने पहले बताया, जैसे 11th साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड डिप्लोमा का और बीएससी का, तो जो बच्चे पूछ रहे हैं खासकर मॉपअप राउंड के लिए या फोर्थ लिस्ट के लिए, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे अवेयरनेस अवेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, एवी एग्जाम कंट्रोलर पे सर्च करेंगे, इस तरीके से आपको सबसे पहले ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर का आइकन दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इनकेस अगर आपके फॉर्म लिस्ट आते हैं, चाहे वो मॉपअप राउंड हो या और भी लिस्ट हो, तो आपको डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पर आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही एक न्यू आइकन ओपन होगा। हालांकि मैं उससे पहले बता दूं कि जो बीएससी में हुआ है, बीएससी में ऑलमोस्ट बॉयज़ का जो लिस्ट है वो फुल हो गया है, और गर्ल्स का ही जो है वो कुछ आया था। जैसे अभी हम अगर बात कर लें, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत कम चांस है कि आपके फोर्थ लिस्ट या फिफ्थ लिस्ट आए। जैसे आएगा तब जब फॉर्म लिस्ट, जैसे अब सपोज करें कि फॉर्म लिस्ट 1 में 1800 का नाम आया, सपोज करें फॉर्म लिस्ट 1 में, और फॉर्म लिस्ट 2 में आया 40, फिर फॉर्म लिस्ट 2 में आया 40 बच्चे का नाम, क्योंकि इससे पता चलता है कि 40 बच्चे ने एडमिशन ले लिया। इस तरीके से फॉर्म लिस्ट 3 में सपोज कर ले कि 20 बच्चे का नाम आया, इससे पता चला कि 20 बच्चे ने फॉर्म लिस्ट 3 में एडमिशन ले लिया है। तो अब जो आएगा लिस्ट, इनकेस आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ये डिपेंड करता है कि बच्चा एडमिशन लिया या नहीं, ये स्टूडेंट्स एडमिशन लिया नहीं। अगर स्टूडेंट्स एडमिशन फॉर्म लिस्ट 1 में नहीं ले तो फॉर्म लिस्ट 2 भी आएगा, और अगर 2 में नहीं ले तो 3 भी आएगा। इस तरीके से इन्होंने पहले ही ये मतलब 5, 6, 7 तक का कर दिया, इसलिए कर दिया है ताकि अगर सीट्स वैकेंट रहे तो हम इस तरीके से अगले में लिस्ट निकालते रहेंगे और बच्चे अपडेटेड रहे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज ही नहीं, काफ़ी पहले ही इनका एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा करा लिया गया है। मतलब ये जो फॉर्म लिस्ट 2 आया वो काफ़ी पहले है, आज लगता है एटलीस्ट 10 से 12 दिन के आसपास हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा। लेकिन अगर इनका देखें फॉर्म लिस्ट 4 सिर्फ किसका है, फॉर्म लिस्ट 3 में ये सारे गायब, मतलब ये गायब है। यहाँ पे 11 साइंस गर्ल्स का फुल सीट फुल हो गया है। इसके अलावा फॉर्म लिस्ट 4 की बात कर ले तो सारा वैकेंट है, सारा खाली है। मतलब इसमें ये पता चलता है कि सारा जो लिस्ट है ये फुल हो गया है। अब बात बाकी बच गया डिप्लोमा का, तो डिप्लोमा में भी अगर लिस्ट में जो बच्चे का नाम है ओनली 20 स्टूडेंट्स का नाम आया, तो हो सकता है अगर लिस्ट 5 आए तो हो सकता है 2-4 बच्चे का नाम है, वरना मेरे ख्याल से सीट ऑलमोस्ट फुल हो गया होगा। तो ये तो मैंने 11 साइंस ह्यूमैनिटीज एंड डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को बता दिया। बात बाकी अभी फिर से हम उसी पे ही है, और जो बीएससी वाले जो परेशान है, क्योंकि बीएससी वाले कैंडिडेट को मैं साफ रिमाइंड करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे फॉर्म लिस्ट 2 आया था कुछ का, इसका फॉर्म लिस्ट 1 ही आया अभी, लेकिन अभी हम बीएससी ऑनर्स में जो गर्ल्स है उनका देखें तो फॉर्म लिस्ट 2, फॉर्म लिस्ट 3 आया। हो सकता है इनका फॉर्म लिस्ट 4 आ जाए, जिसको मॉपअप राउंड भी कह सकते हैं, बट ये तभी आएगा जब सीट्स वैकेंट रहेगा। और इन्होंने मॉपअप राउंड के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाँ भाई हम कब तक लाने वाले हैं, बस ये कहा है कि आप अपडेटेड रहें, लिस्ट का वैकेंट छोड़ दिया, इसलिए वैकेंट छोड़ा है ताकि अगर सीट्स खाली रहेगा तो इसमें आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ऐसा कोई एमई कोर से मॉपअप राउंड का कोई क्लियरेंस नहीं है। बात बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वेरी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वो मैसेज कर सकते हैं।